फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 3:30-4 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में मैं गई अपनी पूजा पाठ की, उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। और जब मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ से आने के बाद मैं घर में बहुत सारे काम चल रहे, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। गेट वगैरह निकला था किचन का, हॉल का, टीवी मतलब सेट हुई है, नई लगी है। और मैं आपको बताऊं, लाइटिंग वाले भैया आ गए तो वो काम चलता रहा, मतलब इसकी वजह से बहुत हेडेक रहा सुबह से। तो उस मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो आज ब्लॉग शूट करती हूँ। और आप लोग कमेंट में बताना कि धनतेरस आप कब मना रहे हो। हम लोग तो मना रहे हैं 23 तारीख को, 22 को नहीं मना रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं गई थी हॉस्पिटल, ऐसे दिखेगा ही नहीं। अच्छा पकड़ो ना मोबाइल, एक सेकेंड मेरा मोबाइल पकड़ो, मैं आपको दिखाऊँ जहाँ मुझे 6 इंजेक्शन लगने थे। ऐसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ अब दिख रहा, अब दिख रहा। तो ये ऐसे करके उन्होंने पेन से मार्क लगाया कि इंजेक्शन यहाँ लगा है। तो ये पूरा यहाँ पर स्वेलिंग आ गई थी, पूरा नीला पड़ गया था, पर अब तो ठीक है। और डॉक्टर ने मना कर दिया फिर, कि जब ये चेक करके देखा था कि इंजेक्शन सही है कि नहीं, पर ठीक से नहीं बैठा, मतलब इंजेक्शन का रिएक्शन हो रहा था, है ना। तो इसकी वजह से इंजेक्शन अब नहीं लगेंगे, V12 के मना कर दिया। और ताकत के लग रहे थे, बोले घर की ही चीज़ें, जूस वगैरह, दूध है, और V12 की टेबलेट वगैरह दिए हैं, तो वो लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी बहुत ही जल्दी। और अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बिस्तर पर लेटी रहूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। बेड शीट वगैरह सब कुछ ऊपर डाल के आई हूँ। और ये रहे मेरे प्रेस के कपड़े, इनको भी सब कुछ लगाना है, घर में बहुत काम है। और मम्मी जी नीचे हैं, तो फिलहाल मेरे बहुत सारे कपड़े ऊपर छत पे धुलने के लिए, तो मैं फटाफट चलती हूँ ऊपर कपड़े धुलती हूँ। मशीन वाले जो भैया हैं वो कल आएंगे ठीक करने के लिए। हमेशा ऐसा ही होता है, घर में जब कुछ होता है तो मशीन ख़राब हो जाती है। हमारे पति देव जी आज सुबह से पटाखे लेने गए हुए थे, तो पटाखे भी आ गए हैं, वो मैं दिखाऊँगी आगे आपको कहाँ आए। हराम देखो तो सही। अब पूरे घर में मत करो अच्छा ये। अरे मैं तो डर ही गई। चलो चलते हैं ऊपर, कपड़े वगैरह तय करके बाद में लगाऊंगी। अब कुछ कपड़े प्रेस के लिए लगाने हैं, और ये कुर्ता मेरा प्रेस होकर आ चुका है, तो चलो चलती हूँ, लेट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ऊपर आ गई हूँ, और ये जो कपड़े हैं ये मैंने मॉर्निंग में ही ऊपर रख दिए थे सुबह ही, क्योंकि बाथरूम की सब कुछ क्लीनिंग करनी थी, और आंटी भी आई थी। अब मैंने एक हफ्ते के लिए आंटी के लिए ऊपर के लिए भी लगवा लिया, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अभी खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और फिर अभी पूजा पाठ कुछ एक्स्ट्रा चलता है, ये दिन जो होते हैं बड़े ख़ास होते हैं माता रानी के लिए और माँ लक्ष्मी जी के लिए, तो इन दिनों मैं थोड़ा सा फोकस अपना पूजा पर ज़्यादा करती हूँ। तो फटाफट से मेरे जो ये कपड़े हैं ये धुल चुके हैं, फिर चलना है नीचे। और मैंने हस्बैंड से कहा है कि आप बच्चों की साइकिल वगैरह भी बाहर निकाल लो, तो ये भी धुल जाएंगी, क्योंकि अभी धनतेरस वाले दिन इनकी भी पूजा होती है, मतलब अपने जो गाड़ी वगैरह है इनकी भी हो जाती है। तो इन्होंने ये जैसे तैसे करके साइकिल धुल दी हैं। फिर आ गई नीचे, नीचे यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं कॉलोनी में, वो रंगोली बना रही थी, और मेरी जो ननद हैं वो भी रंगोली बना रही हैं। और मैं कभी भी रंगोली नहीं बना पाती हूँ, एक तो आती भी नहीं है और अपने कामों में इतनी बिजी रहती हूँ, तो दीदी वगैरह रंगोली बना लेती हैं। आज ना घर के सारे सदस्य लगे हुए हैं कामों पे, तो इनकी भी थोड़ी सी मैंने हेल्प ली है, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। और देख सकते हैं ये जो है तोरण, मैं ये आज ही लेकर आई हूँ नया, और मैं हर साल चेंज करती हूँ, क्योंकि ये साल भर ऐसे ही लगे रहते हैं। मुझे बड़ा शौक है हर चीज़ को सजाने का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने सिंपल डेकोरेशन रखा है, ज़्यादा तामझाम नहीं लगाया है। और फिर मैं इधर साइड में भी लगाऊंगी, दूसरे वाला जो गेट है वहाँ पर भी लगाऊंगी, शुभ लाभ है
ये भी यहाँ पर ही चिपका दूंगी और दो दो लेकर आई हूँ हर चीज़, दूसरा वाला गेट है उस पर भी लगाऊंगी। और जो बालकनी की मेरी डेकोरेशन है बंधनवार वगैरह वो मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल अब शाम होने वाली है तो किचन में भी थोड़ा बहुत देखना है, चाय वगैरह के बर्तन रखे हैं तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़े बहुत चाय के बर्तन हैं और खाने के थाली वगैरह हैं दो चार, बस ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि ये दोपहर में रख दिए थे भिगोने के लिए, तो बस फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं जाती हूँ, नहाना है मुझे और फिर जाना है मुझे मंदिर, भोले बाबा के जाऊँगी आज, हनुमान जी का भी दीपक लगाना है और शनि मंदिर भी जाना है। तो मैं आपको बता दूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, क्योंकि एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और ये भी नहीं करेंगे तो फिर। किचन में भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो क्लीन कर लिए, थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैंने कर दिया और देख सकते हैं बालकनी का लुक कितना सुंदर आया है आज तो। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई है। और आज पापा जी चांदी की लक्ष्मी जी लेके आए, इतनी खुश हो रही थी कि इमोशनल हो रही थी, मेरे आंखों में आंसू हो रहे थे देख के। मतलब हमेशा चांदी का सिक्का लेके आते हैं और इस बार मैं पर्सनली लाने वाली भी थी, मेरा मन था बहुत लाने का लक्ष्मी जी, पर पापा जी लेकर आ गए तो बहुत खुशी हुई मुझे। और बस चाय पी लूँ उसके बाद जाती हूँ, संध्या की आरती की तैयारी करती हूँ और दीपक वगैरह लगाती हूँ, कपड़े चेंज करने हैं, साड़ी पहनूँगी क्योंकि पूजा में साड़ी तो पहनना ही पड़ता है, तो आज तो स्पेशली मैं साड़ी पहनूंगी। सुबह पहन लिया था, काम ज़्यादा था तो इसलिए मैंने कुर्ता लेगिंग्स डाल लिया था। तो चलो चाय पी लेती हूँ, आ जाइए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मंदिर से, दीपक वगैरह सब लगा दिए हैं, अब जाती हूँ खाने की तैयारी करती हूँ। मैं सोच रही थी अपना ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर दूँ, इससे आगे मैं नहीं शूट कर पाऊँगी। देखो मम्मी जी ने कुछ चढ़ा दिया शायद गैस पे, सीटी आ रही है। और मैं आपको बताऊँ मेरे हाथ पैर अभी मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बस दो तीन दिन की बात है और दीपावली हो जाए उसके बाद पार्लर जाके मैनीक्योर पेडीक्योर सब कराऊँगी मैं, क्योंकि हाथ पैरों की जो है कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि काम ही इतने सफाई में इतना नहीं ध्यान दे पा रही हूँ खुद पे। कोई बात नहीं, दीपावली साल में एक बार आती है, जी जान लगा देती हूँ इस त्यौहार में अपना, और मतलब हर त्यौहार में, दीपावली क्यों हर त्यौहार पर, ये जो त्यौहार होता है दीपावली ये बहुत ख़ास होता है मेरे लिए। तो चलो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके जो आज धनतेरस किन किन लोगों ने मनाई और कैसा रहा आज का त्यौहार आप लोगों का। तो मैं तो अपना ब्लॉग का अपना यहीं पर एंड करती हूँ, आज भी ये कपड़े ऐसे ही रह गए, मैं कितने दिन से आपको बता रही हूँ, दो तीन दिन से कि मुझे प्रेस के कपड़े लगाने हैं, अलमारी पर लगा नहीं पा रही हूँ और ये कपड़े तय बना के भी रखने हैं। तो चलो मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।